गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू एनसीईआरटी 4 क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सम कितना दिया है, सम दिया है 27 है, दो नंबर का सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। तो यहाँ पर एक नंबर को क्या ले ले बोलो, एक नंबर को हमने x ले लिया तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस x आएगा। सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 27 और इनका प्रोडक्ट कितना है बोलो, प्रोडक्ट इज 182। तो अब इन दोनों का सम निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। यही आएगा कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दोनों का प्रोडक्ट 182 गिवन है। तो अब हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 20 बोर्ड पे देखेंगे आप, पहले नोट बाद में करेंगे। 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x, x क्या करेंगे x स्क्वायर 102। अब x स्क्वायर निगेटिव है ना, इसलिए हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो इसे यहाँ पर क्या आएगा 182 और 27 को इधर ले गए निगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए पॉजिटिव हो गया, जीरो इधर, जीरो चाहे लेफ्ट में लगाओ या राइट में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस 27x लिखेंगे, फिर 180 लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो बन लेंगे a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू माइनस 27 एक्स का कोएफिशिएंट और c क्या है 102 कांस्टेंट टर्म। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² माइनस 4ac। b की वैल्यू यहां पर क्या है आपके पास माइनस 27, तो माइनस 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 182। तो d यहां पर माइनस 27, 27 का स्क्वायर क्या आया 729। इसका आया किसका स्क्वायर, माइनस 27 का, माइनस से पॉजिटिव आ गया। अब इसको प्लस करो, इनटू करो, 728 आ गया। अब यहाँ पर 4 बन जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 182 से करेंगे 728 और माइनस करेंगे तो 1। अब इसका रूट करो, इसका रूट 1 का क्या आएगा 1 आएगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमें थोड़ा सा ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसे यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हम इस पार्ट को यहाँ इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब आप x माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास माइनस 27 है। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक तो फॉर्मूला का निगेटिव आया और ये दूसरा निगेटिव नंबर निगेटिव है, तो इसका माइनस 27 आएगा। प्लस माइनस रूट डी कितना निकाला था आपने 1 और यहाँ पर 2, ए की वैल्यू क्या है 1। अब एक बार पॉजिटिव साइन लगाएंगे, पॉजिटिव इज इक्वल टू मत लिखना, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब पॉजिटिव साइन, एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे, एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया 27, एक बार प्लस निकालेंगे तो प्लस 1, 28 अपॉन 2 ये कटेगा 14। तो एक नंबर कौन सा आ गया 14। अब हम यहां पर निकालेंगे फाइंड टू नंबर्स। अब देखिए यहां पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस ये तो 27 रहेगा, माइनस 1 आएगा और 2 आएगा, 26 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 30। तो अगर एक नंबर फर्स्ट नंबर आप 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर 13 आएगा। 27 था ना सम कितना था 27, तो 27 माइनस x करेंगे तो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। एक नंबर 14 आता है तब ये 13। अगर इसे करेंगे तो क्या करेंगे, अगर आपने पहला नंबर 14 लिया 13 लेंगे, फर्स्ट नंबर 13 ले लिया, ये भी तो हो सकता है, फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है 13, तब सेकंड नंबर क्या आएगा, तब सेकंड नंबर आएगा 27 माइनस 13 तो ये 14।
तो पहला नंबर 13 भी हो सकता है और पहला नंबर 14 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने सम किया आपका कौन सा, इसमें आपका कर दिया ये थर्ड। अब हम मूव करेंगे फोर्थ की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए केयरफुली। क्वेश्चन नंबर अब होगा फोर्थ। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या? कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ध्यान से देखिए, x, x प्लस वन, x प्लस टू, जितने भी चाहिए कॉन्सिक्यूटिव में, और कॉन्सिक्यूटिव ऑड ये भी आ सकता है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड भी आ सकता है और इवन आ सकता है। एग्जाम में अगर ऑड और इवन आते हैं तो उनके लिए एक ही आप सपोज करना, क्या करना, x, x प्लस टू, x प्लस फोर। अगर दो हैं तो क्या लेंगे, x और x प्लस टू, और दो हैं तो यहाँ x, x प्लस वन। ऑड और इवन के लिए अलग नहीं लेना, ऑड और इवन के लिए एक ही चलेगा, क्या चलेगा, x, x प्लस टू, x प्लस फोर। अब यहाँ से इसका ये तो आपका जनरल वो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जनरल ये हो गया। अब ये आप यहाँ से इसे बॉक्स में बंद कर दो, ये आपको चीजें काम आएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे यहां पर बोला है उन्होंने, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या ले लें आप, x ले लें और x प्लस वन ले लें, और उनका स्क्वेयर्स का सम दिया है, स्क्वेयर्स का सम, सम ऑफ द स्क्वेयर्स, सम ऑफ द स्क्वेयर्स दिया है। तो हम इसको आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप, स्क्वेयर्स का सम, इनके स्क्वेयर्स का सम, एक नंबर x है तो x स्क्वेयर, एक x प्लस वन है तो इसका होल स्क्वेयर, और इनका होल स्क्वेयर का सम कितना दिया है, 365, कितना है 365। यहां तक समझ में आ गया, इसे a प्लस बी के होल स्क्वेयर से एक्सप्लेन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, एक्स स्क्वेयर एज इट इज आया है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 365, और ये एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर मिलकर के क्या आ जाएगा, 2x स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, ये 2x आ जाएगा, ये 365 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है आपका, 2x स्क्वेयर है, तो 2x स्क्वेयर पहले 2x लिखिए, और यहाँ पर 365 1 को इधर ले जाइए तो निगेटिव हो गया, हैव यू गॉट इट। अब 2x स्क्वेयर, ये आपका 2x आ गया, ये आ गया 364, अब 2x स्क्वेयर 2x माइनस 364, इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव बनेगा। अब पूरी होल इक्वेशन किससे डिविजिबल है, 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2, लेकिन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे इससे, या 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे x, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182। अब इसका 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 a इक्वल टू 1, इसका भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -182 लेंगे। अब हम इसे डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला लगाएंगे d, तो हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या आएगा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 और c इज माइनस 182 a आएगा। तो यहां से d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसे गलत मत कर देना। अब 4 1 जा 4 आएगा और माइनस 182, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां प्लस कर दिया, तो यहां पर इसे आप क्या लिखेंगे, हमने क्या कर दिया यहां पर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 इंटू 182, अब 1 प्लस 728,
7 2 8 आ गया और 1 से प्लस करेंगे 7 2 9, ये 7 2 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसे देखिए, अब हमें रूट डी चाहिए, रूट डी तो 7 2 9। अब ये अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा तो 27 आएगा, ये 27 आया और 27 आया कहां से, यहां से 7 2 9, इसके वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसके पेयर बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब बचा कितना 7, अब 1 बन जा 1 कम है, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 ज्यादा हो गया, तो 2 2 जा 4, ये सेम नंबर लेंगे यहां पर, यहां पर 3 लेना है तो 3 लेंगे, 2 और 2 इसके नियरेस्ट हो, 7 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे 3। अब ये पूरा पेयर ब्रिंग डाउन करेंगे, ये नंबर इसमें डबल हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो प्लस 2 ए 4, यहां पर एक ऐसा नंबर लो वो सेम नंबर आना चाहिए, तो 9 कब आ सकता है 3 पे, 3 3 या 9 लेकिन कम पड़ जाएगा, तो हम 7 लेंगे यहां पर, यहां पर भी 7, 47 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 329, तो इस तरीके से 0 आ गया 0 आ गया 0, मतलब स्क्वायर रूट हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखा दिया, कितना आया आपका 27। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू 1, अच्छा प्लस माइनस रूट डी कितना आया आपका 27 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या थी 1। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो माइनस 1 और प्लस 27 अपॉन 2, 27 में से बन जाएगा तो 26 अपॉन 2 13 आ गया कट के, और जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 27 अपॉन 2, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के, माइनस 28 अपॉन 2 कट के माइनस 14 आ जाएगा, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसका जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर क्या आया बोलो, फर्स्ट नंबर था आपका x और x की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव 13, और सेकेंड नंबर क्या है आपका, सेकेंड नंबर है x प्लस 1, तो x 13 प्लस 1 और ये 14। अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो इन दोनों का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, उनको प्लस करेंगे तो 365 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे तो इस शेप में बनाएंगे, ये राइट एंगल में, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल हो गया, उसमें क्या कह रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस को हम क्या ले लें x ले लें, बेस को x ले लें, तो एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 होगा, x माइनस 7 इसमें से कम होगा ना, बेस में से 7 माइनस x मत करना, x माइनस, समझ में आ गया, उन्होंने क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड इज राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस को हमने क्या ले लिया x ले लिया, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज क्या होता है अपोजिट साइड होती है किसकी, राइट एंगल की, तो हम आप इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा दें, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी, पाइथागोरस क्या होती है सर, फोन आ रहा है किसी का, इसलिए वीडियो स्टॉप हो गई, पॉज कर दो, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है और अपोजिट साइड होता है राइट एंगल का, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान यहां पर होना चाहिए बोर्ड पर आपका, तो यहां पर ये अब इसकी साइड्स निकालनी है, तो यहां पर x मींस हाइपोटेन्यूज, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस क्या है x स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर क्या आएगा 13 × 13 169, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
बी, ए इंटू का साइन है बीच में, सेवन प्लस एक्स स्क्वायर ए आ गया, तो 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 7 2 जा 14x आ गया। अब यहां पर क्या आएगा, 169 49 को इधर ले लो, माइनस का हो गया, एक 2x स्क्वायर माइनस 14x आ गया, 169 में से 49 जाएगा तो 120 आएगा, 2x स्क्वायर आएगा माइनस 14x आएगा, हैव यू गॉट इट। अब ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, दोनों बोथ साइड्स हैं तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, और ये यहां 2 से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर आएगा, 2 से डिवाइड होगा माइनस 7x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले x स्क्वायर माइनस 7x, 60 को इधर ले जाएंगे नेगेटिव, जीरो इधर लगाओ या इधर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, चाहे तो मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो या फिर यहाँ से डी निकाल करके डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको मिडिल टर्म तोड़ करके कर सकते हैं स्प्लिट करके, क्योंकि इजी है, ज्यादा लंबा चौड़ा मिडिल टर्म नहीं है। तो आपको सम कितना चाहिए इसका, माइनस 7 चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म, तो माइनस 60। तो अब इसमें दो नंबर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे आपके यहाँ पर 7x है तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखें आप ध्यान से, देखिए माइनस 7 है ना, माइनस 7 को क्या लिखते हैं, माइनस 12 प्लस 5 लिख सकते हैं, माइनस 12 प्लस 5 क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, और माइनस 12 और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 60। तो आप मिडिल टर्म डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिमिनेंट डी से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x, जो कॉमन आता है वो अगले नंबर को डिवाइड करता है, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 5 60 होता है तो 5 इसमें से कॉमन है। तो अगर आपकी वर्किंग सही है तो कॉमन फैक्टर कैसा आएगा, सेम आएगा, तो x माइनस 12 सेम है, इसको कॉमन यहाँ से लेंगे तो x, यहाँ से लेंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 0 है तो पहले इस फैक्टर को 0 करेंगे तो ये 12 इधर जाएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू माइनस 5 इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको निगलेक्ट, निगलेक्ट क्यों करेंगे, लेंथ विड्थ कैन नॉट बी निगेटिव, तो x इक्वल टू 12 आ गया। जब यहाँ से आपका x इक्वल टू 12 आ गया तो फिर हम अब इसकी जो साइड्स है वो निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी साइड्स, देखिए अब आप यहां से साइड्स, बेस कितना आएगा, बेस क्या था x, तो x कितना आ गया आपका 12, ये 12 आ गया और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। अब इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है आपका BC, तो BC क्या है आपका x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी आपको गिवन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसी में डाल देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हमने वीडियो में 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन कर दिया, अब 6th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।